पटियाला के एमपी धर्मवीर गांधी द्वारा खसखस की खेती को बढ़ावा देने के बाद आज संगरूर के गांव भट्टी वालकला के किसानों ने बोए खसखस के बीज। बनावटी नशों को लेकर पंजाब में काफी गहमागहमी बनी हुई है और इसके विरोध में भी अब पूरा पंजाब उतर आया है, जहां शराब, मेडिसिन, नशा और चिट्टा पंजाब के युवा को बर्बाद कर रहा है। अब एक खसखस के नशे को बढ़ावा देने की बात जोर शोर से चल रही है। वहीं पहला मामला संगरूर के पास छपार गांव में पटियाला के एमपी धर्मवीर गांधी द्वारा खसखस की खेती के लिए किसानों को बढ़ावा दिया और बीज बोकर इस खेती को करने का बढ़ावा दिया। वहीं इस मामले में काफी गर्मागर्मी भी हुई, यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस खेती के बारे में चर्चा करने की बात कही। वहीं यहां संगरूर के भट्टीवाल कला के किसानों ने भी नशे के खिलाफ मुहिम उठाते हुए खसखस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाए और किसानों ने अपने गाँव में खसखस की खेती के बीज बोए और कहा कि हम इसी तरह यह खेती करेंगे। किसानों का कहना है कि जहां दूसरे नशे पंजाब के युवा को खत्म कर रहे हैं, वहीं खसखस का नशा कोई जानलेवा नहीं है और इसका शरीर को कोई नुकसान भी नहीं है। यहां तक उन्होंने कहा कि इस नशे से शरीर को फायदा ही है, न कि कोई नुकसान। इसी के तहत उन्होंने आज इस नशे को बढ़ावा देने की मांग की और अपने खेतों में इसकी बुआई की। भवानीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ इंद्रपाल, आजाद टीवी न्यूज। पंजाब के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सरदारा सिंह जौहल, जेड़े कि पंजाब किसान कमीशन के चेयरमैन भी रह गए ने, उन्होंने एक वीडियो यूट्यूब पर पई है, जेडे कि वह कहें ने भी खसखस की खेती पंजाब दे विच शुरू की जा सकती है। 1947 तो पहला पंजाब दे विच भी कितने ना कितने ठेके हैगे थे। दूजा नंबर यह है कि जिहड़ियां पूंजीवाद कंट्रियां ने, सपोज अमेरिका, उन्हें जिहड़ियां मैडिकल कंपनियां ने, उन्हें दबाव विच यह जी खसखस की खेती थी, वो NDPC एक्ट बनया थी, जो राजीव गांधी ने बनाया थी, वो अपना मुनाफा कमाने के खातर ही उन्होंने बनाया। लेकिन सरकार तो नशा मानती है, सरकार इन नशा मानती है, जबकि उदो जो NDPTC एक्ट बनया थी उदो पहला सारे कितने लागू थी। ये पूंजीवाद के दबाव में ही NDPTC एक्ट राजीव गांधी ने बनाया थी, जिहड़ियां मेडिकल के यूज होंगी है जिहड़ी फीम है। इहदा कोई नुकसान नहीं, इहदा कोई नुकसान नहीं हैगा। जो अपना मैंबर पार्लीमेंट ने डॉक्टर धर्मवीर गांधी MBBS ने, हार्ट स्पैशलिस्ट ने, उन्होंने भी किसी तर्क से ही गल की है। शुरुआत की है, असं अज ये एक प्रतीक के तौर पर, एक रोस के तौर पर किया भी ये शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत की है जी, हाँ जी। सरकार तो कहती है नशा की कारण है, नहीं सरकार जी हर्बल है, एक जड़ी बूटी है, इनू असी रवायती तौर पर दुनिया मुढ़ कमीन तो ये वरतों करती आ रही है, पर हुण सरकारां दे विच एक सूफी हुई जिहड़ी हैगी पंजाब नू खत्म करन दी सियासत है, इन्हां ने अपने सिंथेटिक्स जिहड़े नशे ने उन्हां नू बेचण खातर जिहड़े रवायती नशे सीगे जिवें कि गुड़ तों शराब बनाउणी जां इह असी जिहड़ी पोस्त बीज के कमकार वाले बंदे खा लेंदे सीगे, इह तों फीम बणदी आ, फीम हर एक दवाई विच यूज हुंदी है, इह सरकार ने बंद करती। ये असी हुण दुबारे उस पंजाब नू मुड़ उन्हां लीहां ते लैणा लैके आउणा चाहुंदे आ, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े चिट्टे वगैरह दे नशे ने, कोकीन वगैरह, हैरोइन, उन्होंने साडे पंजाब दी जवानी नू खत्म करता। सो यही बेनती है सरकार नू भी, ये कोई एक खेती है, हर्बल है, एक कुदरती चीज़ है, इहनू सानू बीजण दी इजाजत दित्ती जावे। ते अज तुसीं फिर की कीता? असीं इहनू बीज के एक ट्रायल शुरू कीता पंजाब चों, तां कि असीं अगे नू इहनू एक वपारक खेती दे तौर ते बीज सकीए, क्योंकि जिहड़ी फीम दी मंग है दुनिया दे सारे मुल्कां च, इहनू दवा मैडी एज ए मैडिसन इहदी इन्नी डिमांड ज़्यादा है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿੰਨੀ 100-100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ? ਪੋਸਟ ਦੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ।